जन्मभूमि टाइम्स से मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज टीवी। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बहेला में पदस्थ पंचायत सचिव तोसराम लिल्हारे पर पंचायत की पंच महिला ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। वही शिकायतकर्ता महिला पंच का कहना है कि वे ग्राम के वार्ड 11 से नव निर्वाचित पंच है तथा शपथ ग्रहण समारोह के बाद सभी पंच अपने अपने घर चले गए, जिसके बाद दोपहर में ग्राम पंचायत सचिव ने उन्हें घर से हमें कागजात पर हस्ताक्षर करने फोन करके पंचायत बुलवाया था। पहुंचे तो कमरे में अंदर बुलाकर अपनी उठपटांग हरकतें करने लगा, जिसके बाद किसी तरह पंचायत परिसर से निकलकर मैंने तुरंत उप सरपंच को घटना के बारे में बताया। क्या नाम है आपका? सविता मरकाम। क्या करते हैं अभी? नर अभी पंच हैं क्या? जी पंच हूँ। किस वार्ड नंबर 11 से? आपने जो अभी तोसराम लिल्हारे के प्रति शिकायत दर्ज की है बहेला थाना में, क्या है पूरा मामला? जी हम लोग 3 तारीख को शपथ लेने के लिए गए थे, समय 12 बजे। कहाँ पर? पंचायत रिसेवाड़ा में। तो 3 बजे 12 बजे के बाद में हम लोग वहाँ पे शपथ ग्रहण करने के लिए गए, तो 3:30 बजे तक के शपथ ग्रहण का समय हो चुका था। तो हम लोग 3:30 बजे अपने घर आ गए। उसके बाद में मैं जब घर आई तो घर पे काम करने लगी, तो 1-1.5 घंटे करीब मैं काम कर रही थी घर पे। इसके बाद में 5:18 पे मेरे को कॉल आया, तो मेरे पति ने उठाया। किसका कॉल आया? तोसराम लिल्हारे का। कौन है? सहायक सचिव। सहायक सचिव का कॉल आया तो मेरे पति ने उठाए। उन्होंने बात किए तो उनसे बोला भैया आपके पत्नी से बात करा, तो उन्होंने मेरे को फोन दिए। मैं जब उठाई मैंने बोली हेलो भैया, तो उन्होंने बोले दीदी आपका एक जगह साइन चुक गया है, तो आप साइन करने के लिए आ सकते हो क्या? तो क्या आपने पंचायत से आते समय साइन नहीं किए थे? जी मैंने 2 बार साइन किए थे, और मेरे को 2 ही बार रजिस्टर दिए साइन करने के लिए, तो मैं 2 ही बार साइन की। और बाकी पंचों के? और बाकी पंचों से 3-3 बार साइन लिया गया, और मेरे खिलाफ साजिश किए थे वो लोग मिलकर। अच्छा। तो मैं नहीं जान पाई इस बात को, तो मैं 5 मिनट पे फिर कॉल आया, तो फिर मेरे हस्बैंड मार्केट चले गए थे, और जब मैंने 5:29 पे कॉल उठाई तो सचिव ने बोलने लगे दीदी 2 मिनट के लिए साइन करने के लिए आ जा। तो मैं बोली ठीक है भैया बोली। तो जब मैं साइन करने के लिए गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, चपरासी था तो गेट के बाहर निकल गया था, और मैं जब अंदर गई तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक महिला थी जो 2 मिनट के लिए वहाँ पे बात कर रही थी और फिर निकल गई वहाँ से। और जब मैं क्या आप महिला को पहचानते? जी नहीं, मैं नहीं पहचानती उस महिला को, नहीं पहचानती मैं। उसके बाद में फिर मैं साइन करने के लिए सचिव भैया से रजिस्टर मांगी, तो उन्होंने बोले ठीक है बोले। तो जब मैं रजिस्टर ली साइन करने के लिए, तो जैसा मैं पेन उठाई वैसा सचिव ने अपने कुर्सी से उठ गया खड़े। तो मैं बोली ये गाय के लिए यहाँ से खड़ा उठ रहा है सोची, और साइन करके मैं निकल रही थी। उतने ही मैं सचिव ने मेरा एकदम से हाथ पकड़ लिया, और मैं चिल्लाने चीखने लगी, तो वहाँ पे कोई ना होने के वजह से कोई मेरा मदद नहीं कर पाया। तो मैं फिर वहाँ से धक्के देकर निकली, और जब मैं फिर वहाँ से निकली एकदम से, तो फिर गाड़ी से अदड़ा गई और वहाँ से सीधा उप सरपंच के पास गई। तो हाथ पकड़ के क्यों खींच रहा था सब कुछ कर? हाथ पकड़ा, फिर उसका नियत गलत था, वो मेरा कुछ इज्जत वगैरह भी लूट सकता था, या फिर मेरे को धमकी भी दिया उसने, चुप रह हो जा नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा, ऐसा वैसा कुछ धमकी दिया। तो मैं थोड़ा सा घबरा गई, मैं डर गई, तो सीधा फिर उसको धक्का मारी और उप सरपंच के पास पहुंची, और उस सरपंच को सारी बात बताई, और वहां से फिर सीधा मैं अपने घर आई, और अपने घर में पूरे परिवार को बताई, अपने जेठानी को बताई, अपने सेठ को बताई, अपने पति को, अपने सास को, जितने भी फैमिली होते हैं सभी को मैंने जानकारी दी इस बात में, और सीधा बहेला थाना गई रिपोर्ट करवाने के लिए। तो मेरे खिलाफ अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ है और कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अच्छा। तो इसके लिए मुझे न्याय चाहिए। तो अभी सचिव का कहना यह है कि मुझे फर्जी फंसाया जा रहा है इनके द्वारा, और इसके पूर्व 2020 में भी इनके द्वारा एक लड़के को फंसाया गया था, ऐसा उनका कहना है? नहीं ऐसा नहीं है जी, ये मेरे को जाति विवाद वाला है वो। अच्छा। अरे घर घर में झगड़ा होता है अपने जात भाइयों में, ऐसा है तो ये कहना गलत है? गलत है। तो क्या चाहते हैं आप? मेरे को इंसाफ चाहिए। सर, जैसे कि आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति का आयोजन किया गया था, क्या निर्णय लिया गया था? आगामी त्यौहार जो हमारे यहाँ पर मनाए जाने, जैसे मुहर्रम है, रक्षाबंधन पर्व है, शादी दिवस है,
और जो सरकार की तरफ अपने घर वापस आई और तिरंगा अभियान हर घर तिरंगा अभियान अपने घर वापस आई और परिजनों को उक्त घटना के विषय में जानकारी दी। रांची क्षेत्र में होना है। इन सभी बिंदुओं को सुरक्षित रखते हुए आज SDM मैडम की उपस्थिति में तहसीलदार साहब और CM साहब की उपस्थिति में जो है थाना रांची परिसर में संस्थान की बैठक रखी गई थी, जिसमें रांची क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और उनके द्वारा जो है हम लोगों ने एक समन्वय से कैसे बेहतर व्यवस्था स्थापित करते हुए इन त्यौहारों को मनाया जाएगा, इस संबंध में जो है सभी ने अपनी बातें रखी और निर्णय लिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? दूसरा मिलदार है। किस पद पर है? ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत रिसवाड़ा। अभी कुछ दिन पूर्व आपके ऊपर में एक महिला ने आरोप लगाई थी छेड़छाड़ का, तो क्या है पूरा वो? दरअसल में वो मामला यह है, शपथ ग्रहण के दिन था, तीन तारीख का, सब लोग शपथ ग्रहण 11 बजे से चालू हुआ और 2:30 बजे खत्म हुआ और उसके बाद में फिर पौधरोपण करने हम यहाँ गए। प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में सभी नवनिर्वाचित पंच और जो लोग थे, उसके बाद में पंचायत में नाश्ता वास्ते का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए। फिर 4 बजे की, हाँ 4:15 बजे की बात है, मैंने प्रोसीडिंग देखा, प्रोसीडिंग में जो नवनिर्वाचित जो पंच थी आई थी, कौन थी? सविता मरकाम, उनकी वार्ड से 13 से, वार्ड नंबर 13 से पंच है। हाँ, पंच नवनिर्वाचित पंच है, उसमें उनके जो क्रोसिंग प्रस्ताव है उसमें साइन नहीं कर पाई थी वो, तो मैंने उनके पति को फोन लगाया था कि अजी अब मैं जो पंच है उनकी साइन नहीं हो पाई है, तो आप लेकर के आ जाओगे और साइन कर देगी चले जाओगे करके। तो 5:30 बजे आई, पति के साथ में नहीं अकेली आई, लेकिन उस बीच में एक महिला भी थी पंचायत में, धनकुंवर भाई नाम से, वो मजदूरी का भुगतान जो पेमेंट चलता है पीएम आवास को, उसके संबंध में पूछने आई थी। यानी आप पंचायत में थे वो आई तो? जी हाँ, अकेली आई थी। हाँ, वो अकेली आई, जो महिला थी पहले, उससे पहले एक और महिला थी, बातचीत चालू थी धनकुंवर भाई। और जब वो आई तो मैंने पंच के माध्यम मतलब इससे बैठने के लिए बोला, उनको कुर्सी में बैठ गई, अब वो साइन करवाया प्रस्ताव प्रोसीडिंग में। और उसके बाद में फिर बाजार का दिन था, भीड़ भड़क का, बुधवार को बाजार थी, और 3 लड़के और आए उसके पीछे पीछे, जामुन टोले के वो भी आए, और जो मजदूर थे मैंने जो उस दिन शपथ ग्रहण के दिन बुलाया था, वो साइड में साफ सफाई का काम कर रहे थे, कचरा काट रहे थे। तो फिर उसके बाद में? उसके बाद में वो धनकुंवर भाई भी निकली पंचायत से, लड़के लोग भी निकले और महिला भी निकल गई साथों साथ साइन करके। फिर उसके बाद मैं भी पोर्च में जाकर के जो कचरे काट रहे थे उनके पास गया, और फिर उसके बाद तीनों लोग, ये बात है 5:30 पौने 6 बजे की, 6:00 बजे के भी महिला निकली और सीधा बाजार की तरफ चली गई, और 6:30 बजे के बाद में हम लोग घर आ गए। अच्छा, तो जैसे महिला ने पुलिस थाना बहला में शिकायत की है आपकी जी, तो बहला थाने से पुलिस आपसे पूछताछ करने आई थी क्या? नहीं, उन्हें बयान के लिए बुलाए थे मेरे को, जो वहाँ मौके स्थल पर जो लोग थे, जो महिला थी पहले से, और जो 3 लड़के आए थे और जो मजदूर काम कर रहे थे, उनके बयान लिए हैं। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इस संबंध में जो मेरे को फंसाया जा रहा है, एक राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, इसमें मेरा कोई छेड़छाड़ी का मामला मैंने नहीं किया।